अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिरादराने अज़ीज़, आज 23 जुलाई को यकुम ज़िलहज्जा है और पहली अगस्त को 10 ज़िलहज्जा है, जबकि हम ईदुल अज़हा का त्यौहार मनाएंगे। ईदुल अज़हा की नमाज़ के लिए इस वक्त ईदगाह में नमाज नहीं होगी, उसकी बजाय अपने अपने मस्जिदों में ईद की नमाज सोशल डिस्टेंस के साथ अदा करें। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि भीड़ न जमा करें, इसी वजह से ईदगाह में जमा होना मुनासिब नहीं है। अपनी अपनी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करें। इशराक का वक्त होता है तो ईद की नमाज का भी वक्त हो जाता है, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि ईद की नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंस के साथ अदा करें। और गांव वालों से, पालनपुर शहर के अतराफ़ के गांव वालों से गुजारिश है कि उन पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, लिहाजा वो शहर में आने की जहमत गवारा न फरमाएं, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है। दूसरी बात यह है कि इन दिनों में हमारे वतनी भाइयों के भी बहुत सारे त्यौहार हैं और हमें भी अपना वाजिब कुर्बानी अदा करना है, लिहाजा मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हम कोई भी ऐसा काम न करें जिसकी वजह से हमारे वतनी भाइयों के जज्बात मजरूह हों और उनकी लागनी को ठेस पहुँचे। और मेरी गुजारिश ये भी है कि हम कोई भी चीज़ रास्तों पर, आम शाहराओं पर, नाकों पर या मोहल्लों में इधर उधर खुलेआम लेकर फिरें या रास्तों के नाकों पर, शाहराम पर न डालें। सफाई का ख़ास तौर से इन दिनों में अहतमाम करें, क्योंकि ये कोरोना की बीमारी तेज़ी से फैल रही है और स्प्रेड हो रही है, बढ़ रही है, लिहाजा इन दिनों में सफाई का खुसूसी अहतमाम करें और एक दूसरे के जज्बात का और लागनियों का भी एहतराम करें। ये मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है। वस्सलाम।